ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला जारी है। आपको बता दें कि ऊपर वाला मेहरबान तो अधिकारी पहलवान। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सरायकेला में दो दो एसपी बदले, दो दो एसडीपीओ बदले। डीएसपी मुख्यालय सरायकेला का नहीं हुआ था बदला। 5 साल से जमे हुए हैं सरायकेला डीएसपी मुख्यालय। दिलीप खलको चायबासा में एसडीपीओ थे, अब सरायकेला में एसडीपीओ है। दोनों एक ही लोकसभा का इलाका है, फिर ऐसी पोस्टिंग कैसे हो गई? पारुल सिंह चायबासा सदर बीडीओ थी, अब सरायकेला की एसडीओ है। प्रमोशन के बाद उसी लोकसभा में पोस्टिंग कैसे हुई, यह है पूरा ट्रांसफर का खेला। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता अभिषेक भारती हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेला है वो लगातार जारी है, नए नए पेज खुलकर सामने आ रहे हैं हर दिन। देखिए अनिकेत, कल हमने बताया था कि भाई देखिए किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला हुआ है, इलेक्शन कमीशन के निर्देशों को किस तरीके से ठेंगा दिखाया गया है, ट्रांसफर पोस्टिंग के जो नियम है उसको किस तरीके से ठेंगा दिखाया गया है। देखिए आज फिर मैं आपको बताता हूं कि जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो अधिकारी कैसे पहलवान होते हैं। फिर मैं सरायकेला जिले का एग्जाम्पल दे रहा हूं। सरायकेला जिले में दो दो एसपी, आनंद प्रकाश से एसपी, आनंद प्रकाश से डॉक्टर विमल बने, डॉक्टर विमल के बाद अब मनीष टोप्पो बन गए हैं, दो दो एसपी बदल गए, दो दो एसडीपीओ भी बदल गए, लेकिन डीएसपी हेडक्वार्टर सरायकेला के चंदन वर्ष पिछले 5 साल से वो उनका ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है। दिलीप खलको चाईबासा में एसडीपीओ थे, पर सटा हुआ है सरायकेला, मतलब पश्चिमी सिंहभूम जो लोकसभा सीट है, पश्चिमी सिंहभूम लोकसभा सीट के तहत ही चाईबासा भी आता है और पश्चिमी सिंहभूम लोकसभा सीट के तहत ही सरायकेला भी आता है। अब जो चाईबासा में दिलीप खलको एसडीपीओ थे उनको सरायकेला के एसडीपीओ बनाया गया है। साथ साथ चुनाव आयोग के जो आदेश है कि एक ही लोकसभा में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती है उसको भेजना है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। पारुल सिंह चाईबासा सदर की बीडीओ थी, उनको प्रमोशन मिला, प्रमोशन मिल करके वो एसडीओ बन गए। एसडीओ बनने के बाद उनको सरायकेला का एसडीओ बनाया गया। एक ही लोकसभा में पड़ता है चाईबासा और सरायकेला, बताइए पोस्टिंग कैसे हो गई। चलिए इसके बाद मैं आपको बताता, सरायकेला में एक कुकड़ू प्रखंड है, कुकड़ू प्रखंड में पिछले 1.5 महीने से ना बीडीओ है ना सीओ, और सिर्फ भरोसे चल रहा है। इस कारण तो वो कह रहा है खुलेआम वहां पर आराम से बालू की चोरी हो जाती है, कोई देखने वाला नहीं। तो क्या इस बालू चोरी को बढ़ावा देने के लिए ही कुकड़ू में सीओ की पोस्टिंग नहीं की जा रही है? क्या सरकारी योजनाओं में हेरफेर करने के लिए ही बीडीओ की पोस्टिंग नहीं की जा रही है? मतलब स्थिति ऐसी है कि कहीं पर पद को खाली छोड़ दिया जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है कहीं पर अधिकारी। लेकिन अभिषेक, इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है? जिस तरीके से पूरा ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला चल रहा है, अधिकारी जिस तरीके से नियमों को ताक पर रख के ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, कहीं महीनों से पद खाली है, कहीं लोकसभा एक ही लोकसभा सीट में ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जा रही है, इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है? अभी तो फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि कोई सूद लेने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, बस लाल फीताशाही चल रही है, अधिकारियों की मनमानी चल रही है। देखिए ये सब जिम्मा कार्मिक विभाग का है, लेकिन कार्मिक विभाग फिलहाल सोया हुआ है। कार्मिक विभाग की स्थिति कैसी, आज TV45 एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है कि कैसे लगभग 80 अंचल अधिकारी जो CI अंचल निरीक्षक वो 2 साल से अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। आप स्थिति ऐसी है कि प्रमोशन के लिए एग्जाम हुआ, उस एग्जाम का जो टॉपर था उसको तो प्रमोट कर दिया गया, लेकिन जो सेकंड टॉपर थर्ड टॉपर है उनको प्रमोट नहीं किया गया, और उसके बाद जो नीचे वाले कर दिया गया। आज मार्क्स TV45 इसका खुलासा करेगा, इंतजार करना है दर्शकों को, आज बहुत बड़े बड़े खुलासे करने जा रहे हैं हम लोग। लेकिन आप सोचिए, जैसे आप देखिए कैंडिल, कैंडिल रांची लोकसभा का इलाका है, कैंडिल के SDO इससे पहले तमाड़ के BDO थे और उसके बाद उनको प्रमोशन देकर कैंडिल का SDO बना दिया गया एक ही लोकसभा में। कैंडिल के BDO इससे पहले कुकड़ू के BDO थे, कुकड़ू चैंडिल अगल बगल में है, एक ही जिले में पोस्टिंग अगल बगल में सीमावर्ती जिले में कैसे हो रही है? मतलब कोई देखने वाला है कि नहीं है, यह बहुत बड़ा सवाल है अनिकेत। भगवान भरोसे चल रहा है इसका मतलब? अब देखिए ऐसा है
कि बहुत चीजें जानकर भी आदमी को अनजान बना रहना पड़ता है। बहुत सारी मीडिया वालों के साथ हमारे साथ ये मजबूरी है कि हमें खबरें सिर्फ तथ्य पर बोलनी होती है, हम तथ्य पर खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें पता है लेकिन हम बोल नहीं सकते। हाँ, समझने वालों को समझ देना चाहिए, लोगों को भी समझ देना चाहिए। क्या है कि जिस आटे की रोटी हम खाते हैं उसी आटे की रोटी हम लोग भी खाते हैं, उसी आटे की रोटी साधिकारी भी खाते हैं। तो सब लोगों को ये खेल समझना चाहिए कि खेल क्या है, खेल कौन करवाता है। लेकिन ये है शर्मनाक, शर्मनाक इसलिए है कि हम एक मिनट के लिए मान लेते चलिए मिस्टेक हो गई ट्रांसफर पोस्टिंग में, लेकिन जब मिस्टेक संज्ञान में आ जाए तो एटलीस्ट मतलब एक्शन लेना चाहिए। अब इस तरीके से एकदम कनघटिया के मान लेते हैं कि नहीं हमको करना ही नहीं है, हमें बस नियमों का मखौल उड़ाना है, तो इससे होता यह है कि जो सिस्टम है उस सिस्टम पर तो लोगों का भरोसा उड़ जाता है, उस सिस्टम का लोग मजाक बनाने लगते हैं, आप हंसी का पात्र बन जाते हैं। आप देख लीजिए इसी ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल के चलते दुमका में इतनी बड़ी घटना घट गई जिसमें विदेशों में हमारा सर शर्म से झुक गया। क्यों? निशिकान दुमका पोस्ट देखिए एक्सपर्ट कि बिना को संथाल रीजन में पोस्ट कर दिया गया, वहां पर सब जितने ये अधिकारी है ये सब अधिकारी बस वसूली में व्यस्त है, सबको बस ये है कि भाई हमको अपना अपना वसूल कर लेना है। तो ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था स्थिति में नियम कानून की परवाह कौन करेगा? तो अनिकेत ये देखिए बहुत सोच मुझे लगता है सरकार को इस ओर ध्यान की जरूरत है क्योंकि उसकी खुद की असमत पर सवाल उठ रहा है। जी अभिषेक, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला तो जारी है और लगातार जो है कि अधिकारी इसकी जो नियम है उसको ताक पर रख रहे हैं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला लगातार जारी है, सरायकेला के दो दो एसपी बदले गए, दो दो डीएसपी बदले गए हैं।